एएसआईपी की तैयारी कैसे करें, इसका एग्जाम कैसे आएगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, एक नए पैटर्न पर आया है, इसकी रणनीति क्या होगी, इसकी पेपर कैसे तैयारी करें। आप सभी के पास दोस्तों यहां पर कम समय है एएसआईपी की तैयारी करने के लिए, आपके पास कम से कम 30 से 35 दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो इस 30 से 35 दिन में आपको कैसे तैयारी करना है, इसकी रणनीति कैसे होनी चाहिए, आपको सिलेबस के तौर पर कैसे पढ़ना चाहिए, मैं बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से समझिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, साथ में कॉपी पेन रख लीजिएगा, ठीक है। एसआई की तैयारी करने के लिए देखिए, सबसे पहले सिलेबस को आपको तैयारी करना होगा। जैसे व्यापम का सिलेबस होता है, इसी प्रकार आपका ग्रेजुएट लेवल में आपका भी एग्जाम होगा एसआई प्री का, उसी तरफ से आपका सिलेबस होगा। तो जैसे कि देखिए, 3 साल पहले या 3 सालों तक इसका कोई सिलेबस नहीं था, जैसे कि सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान है, भारत का सामान्य ज्ञान, चाहे आप किसी भी की तैयारी कर रहे हो, तो व्यापम के सिलेबस के हिसाब से आपका दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार देखिए एसआई की तैयारी इस तरह कर सकते हैं। और साथ ही देखिए, इसका लिखित पेपर के बारे में बात करें तो लिखित पेपर इसका 6 नवंबर को इसका लिखित पेपर होगा एसआई प्री का एग्जाम। साथ ही इसका देखिए फॉर्म भरना चालू हो चुका है, 26 सितंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, और साथ ही इसका लास्ट डेट की बात अक्टूबर है, ठीक है। तो आप सभी देर ना कीजिए, जल्दी से जाइए और फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा एसआई के तैयारी करने के लिए और इसको एग्जाम दिलाने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इसका एग्जाम दिला सकते हैं, जो लोग प्रथम चरण में जो पास हुए हैं वही लोग इसका एग्जाम दिला पाएंगे, ठीक है। यानी कि उसके पास जो कैंडिडेट हैं जो प्रथम चरण में पास हुए हैं, जो फिजिकल में पास हो चुके हैं, उसके लिए पात्र दिया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, उसी को साथ ले जाए और फॉर्म भरे। ऐसा नहीं है कि कोई भी इसका फॉर्म भर ले और इसका पेपर दिलाए, है ना। जैसे कि टेट का हुआ था, जैसे कोई भी फॉर्म भर लिया उसका टेट जैसे लिख के आ गए, 150 नंबर उसमें लिखित पेपर है उसका लिख के आ गए, ऐसा इसमें नहीं होने वाला। जैसे कि कुछ ही दिन पहले, जैसे कि 25 सितंबर को इसका एग्जाम हुआ था सीजीपीएससी प्यून का, उसमें 150 का 150 सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक लगा के आ गए, ऐसा इसमें नहीं होने वाला, ठीक है। तो एसआई प्री की तैयारी कैसे करना है तो ध्यान से समझिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो तैयारी कैसे करना है तो देखिए, एसआई प्री कैसे निकालना है तो देखिए, सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करें तो पहले तो आप लोगों को 3 साल तक इसका कोई सिलेबस नहीं था, लेकिन अब व्यापम इसका परीक्षा लेगा, ठीक है। एसआई का जो एग्जाम है उसका व्यापम लेगा, व्यापम ले रहा है, तो व्यापम जैसे ग्रेजुएशन लेवल का रहता ही पैटर्न है, उसी प्रकार इसका भी पैटर्न है, ठीक है। तो सिलेबस में सबसे पहले देखिए, सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग, प्लाटून कमांडर की प्रारंभिक लिखित परीक्षा यानी कि 6 नवंबर को होगा। साथ ही इसका सिलेबस में बात करें तो देखिए, प्रारंभिक में पाठ्यक्रम का सबसे पहले पूर्णांक इसका 300 का होगा, ठीक है। जैसे कि व्यापम में 150 नंबर का आता है, इस प्रकार इसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सूबेदार उप निरीक्षक में यानी कि एसआई के प्री के एग्जाम में 100 नंबर के आएंगे, लेकिन मार्क्स आपका 300 नंबर का रहेगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर 3 नंबर का रहेगा, यानी कि एक प्रश्न पर आपका 3 नंबर का रहेगा। जैसे कि 100 प्रश्न है यहाँ पर, तो 100 प्रश्न में आपका 300 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। और कौन कौन सा आएगा यहाँ तक आपको बता भी दिया गया, जैसे कि पहले यहाँ पर देखिए हिंदी का, इंग्लिश का और कंप्यूटर का इसमें शामिल नहीं था, लेकिन इस समय आपका एसआई के लिए यहाँ पर तीनों ही शामिल कर दिए गए। पहले तो इसमें पता नहीं था कि कैसे तैयारी करना है, मतलब कहीं भी से, जैसे कि सामान्य ज्ञान ज़्यादा अधिक आ जाएगा या भारत का सामान्य ज्ञान आ जाएगा या फिर गणित की ज़्यादा सिलेबस है या गणित की कैसे तैयारी करें, पहले तो कोई भी ऐसे अंधाधुंध पढ़ाई कर लेता है। लेकिन अब व्यापम इसको चेंज कर दिया गया, इसमें आप सभी को सिलेबस दे दिया गया, सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करना है, तो एसआई प्री आपको ऐसे ही इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप कम से कम 8 से 10 घंटा अगर दिन में आप समय देते हो, सिलेबस के अनुसार आप पढ़ते हो, तो एसआई ऐसे ही निकल जाएगा प्री। अगर एसआई प्री अगर एग्जाम निकाल लेते हो तो आपको लिखित पेपर में आप समय दे सकते हैं, आप उसमें पास हो जाओगे। ऐसा कोई भी नहीं कि एसआई पेपर का निकाल सकते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा इसका पैटर्न किस प्रकार है। तो देखिए, सबसे पहले सामान्य अध्ययन की बात करें तो भारत के सामान्य ज्ञान में आपका 105 नंबर का आएगा, यानी कि टोटल आपको 35 प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन से। भारत के सामान्य अध्ययन से कितने पूछे जाएंगे? 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, 105 नंबर का आएगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर 1 से कम 3 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें 35 आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन से आपको पहले ही जानकारी मैं दे रहा हूँ। इसके बाद छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में आपका 75 अंक का आएगा, यानी कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी को देखिए, यहाँ पर पहले ही बता चुका है कि व्यापम के सिलेबस में कि 25 प्रश्न छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से आएंगे और 3 नंबर इसका एक प्रश्न रहेगा, यानी कि 25 या 75, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद बारे सामान्य मानसिक योग्यता की, तो सामान्य मानसिक योग्यता में 30 नंबर के आएंगे, यानी कि कितने? 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन आएंगे सामान्य मानसिक योग्यता में।
और सामान्य गणित की बात करें, देखिए अब गणित यहाँ पर भी है, यानी कि एसआई प्री एग्जाम में आपको गणित के नंबर, गणित से आपका पूछा जाएगा। तो गणित में आपका कितना नंबर का रहेगा, 10 क्वेश्चन आएगा लेकिन 30 नंबर का रहेगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर 3 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें तो सामान्य हिंदी का, सामान्य हिंदी का आपका भी 10 क्वेश्चन रहेगा यानी कि 30 नंबर का। इसके बाद है सामान्य अंग्रेजी, तो सामान्य अंग्रेजी कितना क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कितना, 5 क्वेश्चन 15 नंबर का, ठीक है। यानी कि टोटल आपका 100 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर का मार्क्स रहेगा। समय आपका दिया गया है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, समय 2 घंटा दिया गया है, ठीक है। परीक्षा 2 घंटे की होगी जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न में 3 अंक होंगे, तो सामान्य अध्ययन सबसे पहले देखेंगे, सामान्य अध्ययन में कौन कौन से यहाँ से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन से पूछे जाएंगे। उसके बाद भारत की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामाजिक सांस्कृतिक घटनाएं, खेल और पर्यावरण से संबंधित, यानी कि भारत से यहाँ पर प्रश्न आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 105 नंबर का आएगा, ठीक है। तो सिलेबस के हिसाब आप तैयारी करते रहिएगा, 1 महीने में आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। एसआई पेपर ऐसे ही निकाल सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं कि जैसे कि टीटी का एग्जाम हुआ है कोई भी ऐसे जाके सभी लिखें, ऐसा नहीं होगा। इसमें सीजीपीएससी में दिया था ऐसा, जैसे कि अभी 25 सितंबर को प्यून का एग्जाम हुआ था, सभी जाकर भड़भड़ा कर पूरा क्वेश्चन मार के आ गया था, ऐसा नहीं है। देखिए एसआई प्री के एग्जाम में, अगर इसमें एक और बात बताना चाहूँगा कि एसआई प्री एग्जाम में बिल्कुल आप सभी के लिए खुशी की बात है, इसके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया तो सभी क्वेश्चन बना लिए, तो ऐसा नहीं। आप देखिए अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, तो बिल्कुल देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सभी क्वेश्चन मार के आ जाओगे, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को सिलेबस के अनुसार पढ़िएगा ध्यान से और अच्छे से नंबर से स्कोर करिएगा, यही मैं आपसे लिए चाहता हूँ। और साथ ही देखिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बारे में बात करें तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन और छत्तीसगढ़ का योगदान, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के भूगोल से, जलवायु से, परिवर्तन से, जनगणना से, जनजाति से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की जनगणना हो गया, परंपराएं, तीज त्यौहार यहाँ से। इसके बाद छत्तीसगढ़ की विशेष ढांचा, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आपके समसामयिक घटनाएं, छत्तीसगढ़ के उद्योग, जल, खनिज संसाधन, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल आपको छत्तीसगढ़ से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 का मार्क्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, पहले देखिए जब एसआई का पेपर होता था उसमें कंप्यूटर नहीं था, हिंदी भी नहीं था, ना ही इंग्लिश था, ठीक है। लेकिन अब व्यापम से इसका सिलेबस जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कंप्यूटर में आपका यहाँ पर 15 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें प्रत्येक में 3 अंक का दिया जाएगा, तो ठीक है 5 दिया 15, ठीक है। तो कंप्यूटर से प्रश्न रहेगा, कैसा प्रश्न रहेगा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के कक्षा के अनुसार रहेगा। उसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता की बात करें तो आप सभी को पता है कि सामान्य मानसिक योग्यता सीजी व्यापम में रहता ही है, तो उसमें ठीक है। उसके बाद है आपका सामान्य गणित, तो सामान्य गणित में क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, तो सामान्य गणित में देखिए व्यापम का जो सिलेबस है सेम वही सिलेबस इसमें भी दिया गया है एसआई प्री के लिए, ठीक है। इसके बाद सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी में आपको पढ़ना ही पड़ता है, सभी को मालूम है। इसके बाद है सामान्य इंग्लिश, थोड़ा सा अगर नंबर है, जेंडर है, एक्टिव है, प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव, ये ऐसे इजीली बन जाता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर का, ठीक है, सामान्य अंग्रेजी का। यानी कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 30 से 35 दिन बचा है, तो सिलेबस के अनुसार आप बिल्कुल तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा कि कैसे तैयारी करना, ठीक है। रणनीति की बात करें तो सिलेबस के अनुसार बिल्कुल पढ़ते रहिएगा, कम से कम आपको 8 से 10 घंटा दिन में समय देना पड़ेगा, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा नहीं कि कठिन प्रश्न आएगा, आप बिल्कुल तैयारी करते रहें, ऐसे ही एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि टीटी में एग्जाम में दिला है वैसा आप नहीं करना, ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आप ध्यान से इसको अच्छे से बनाइएगा, यही मेरी आशा है। धन्यवाद।